कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। वाराणसी के कैंट में स्थित एक कॉलेज में एक व्यक्ति का नरकंकाल मिला है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। वाराणसी के जेपी कॉलेज में तब हड़कंप मच गया जब कॉलेज परिसर में से एक व्यक्ति का नरकंकाल पाया गया। कॉलेज परिसर में जब साफ सफाई की जा रही थी तब कॉलेज के पिछले हिस्से में यानी कि परितत्व भवन में एक व्यक्ति का कंकाल देखा गया। तब वहां पर साफ सफाई कर रहे कर्मचारियों ने इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अपने साथ फॉरेंसिक टीम को भी लाई। इस बाबत कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना के समय में यहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। ये जेपी मेहता इंटर कॉलेज है, कचहरी के पास से। वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि पीछे क्लासरूम कुछ यहाँ बने हुए हैं। एक्चुअली मेन बिल्डिंग आगे है इंटर कॉलेज की, पीछे जो है ये गेट लगा हुआ है, पूरी बाउंड्री है, और ये पोर्शन पिछले 15 साल से यूज नहीं होता है, बता रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग है काफ़ी। तो कुछ आज इधर सफाई का काम चल रहा था, इधर काफ़ी झाड़ियाँ उग गई थी, तो सफाई का काम चल रहा था। इधर कुछ लड़के आए, उन्होंने खिड़की से देखा, फिर सूचना थी। तो सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई और यहाँ से सब सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और आगे की कार्रवाई फिर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि क्या कारण रहा डेथ का। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। प्रथम दृष्टिया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया अभी कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और डिकम्पोज हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो ऐसे देख करके कुछ कोई इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता। मेल बॉडी है कि फीमेल बॉडी है ये भी नहीं बताया जा सकता, डिकम्पोज काफी हो चुकी है, तो ये पोस्टमार्टम के बाद इंटरनल पार्ट्स का जब होगा तभी पता चलेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।